बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ राजमा या लोबिया की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, तो तवज्जो से देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेल 6-8 टेबलस्पून, प्याज 3 मीडियम, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, टमाटर 5 मीडियम, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, जीरा 1.5 टीस्पून, नमक 3 टीस्पून, यह हसब जायका मिक्स करना है। हरी मिर्च 2 पीस, राजमा या लोबिया 1.5 की। लोबिया डालने से पहले मसाला सही तरीके से पकाना होता है, उसका बुनाई सही करना है, और उसके बाद टमाटर पूरे, टमाटर पेस्ट 3-4 टेबलस्पून दोबारा मिक्स करना है, और अच्छी तरीके से उसका जो पानी है वो सारा खुश करना है। उसके बाद और पानी डालना है, जिस तरह आप लोगों ने देख लिया। और अभी 3-4 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगाना है और मीडियम फ्लेम पे पकाना है, मिक्स करना है, दोबारा कवर लगाना है 3-4 मिनट के लिए। ढक्कन उठाना है तो मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और राजमा मसाला तैयार हो गया। और गार्निश के लिए हरा धनिया डालना है, और राजमा करी ये नहीं है, ये राजमा मसाला है। राजमा करी भी इंशाल्लाह आप लोगों को बनाऊंगा। तो इसी के साथ हमारा चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा लोग आज का रेसिपी तैयार हो गया, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए रेसिपी के साथ। तो अभी हमको दे दिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।